नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सही हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? रिवीजन तो अच्छी तरह से आप लोग कर रहे होंगे? तो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए, ठीक है? और अगर हम स्पीड से चल रहे हो तो आप आराम से रोक रोक के क्लास को देखते रहिए। और जो भी, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे तो उस पार्ट को आप जरूर देख कर जाइए, ठीक है? चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में आप सभी लोग जानते हैं कि a बराबर मिश्रधन, a बराबर होता है मूलधन p 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर p, समय p का पावर होता है, ठीक है? अब यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि ये मिश्रधन है। अगर हम ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे? घटा देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना होता है कि ये तो प्रतिवर्ष समायोजित होता है, r प्रतिशत से प्रतिवर्ष समायोजित होता है, लेकिन अगर छमाही हो, यानी जब पहला कंडीशन छमाही दे हो ब्याज, तो जब उस समय r बराबर जो है वार्षिक दर, जितना भी वार्षिक दर दिया होगा उसका आधा करेंगे और समय बराबर 2 × वर्षों की संख्या करेंगे, ठीक है? वर्षों की संख्या, जो भी संख्या दिया होगा उसका 2 गुना आप करेंगे। आइए, इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यदि तिमाही होता, क्या होता? तिमाही। तो जब तिमाही दे होगा तो r बराबर एक वर्ष में कितने बार 3 माह आते हैं? 4 बार। तो इसका मतलब है कि वार्षिक दर में आप 4 से भाग देंगे और समय t में 4 का गुणा करें वर्षों की संख्या में, जितना भी वर्षों की संख्या दिया होगा उसमें आप 4 से गुणा करेंगे। और अगर इसी तरह ये चतुष्मासिक दिया गया हो, क्या दिया गया हो? चतुष्मासिक। तो अगर चतुष्मासिक लिखा हो तो इस कंडीशन में, ठीक है, चतुष्मासिक के कंडीशन में r बराबर हो जाएगा वार्षिक दर अपान एक वर्ष में 4 महीना कई बार आता है? 3 बार आता है, तो 3 से भाग देंगे और समय t बराबर 3 × वर्षों की संख्या, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं, इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? जल्दी से लिख लीजिए, p तो आप जानते हैं मूलधन है, a मिश्रधन है, r दर है, ठीक है? और ये लिख लीजिए, छमाही दे हो तो, तिमाही दे हो तब, और चतुष्मासिक दे हो तब, इनके कंडीशन में। जरा जल्दी से लिखिए, अब तो आप लोगों का पूरा रिवीजन एक बार हो जाएगा, जो 3-4 महीने से आप भूल गए थे सब याद आ जाएगा ना, सब याद आ जाएगा, घबराइए नहीं, XYZ। हो गया? जैसे लिखिए प्रश्न, पहला नंबर, ठीक है? बोले लिखिए, 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन क्या हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 to the power T से। यहाँ देखिए तो P बराबर दिया गया है 10,000 और R बराबर दिया गया है 10%, समय दिया गया है T = 3 वर्ष। इसमें कहीं कुछ नहीं कह रहा है कि तिमाही है कि चतुष्मासिक है कि छमाही है, वार्षिक दर दिया गया है, इसका मतलब वर्ष के अंत में ही मिलेगा ब्याज, ठीक है। तो अब यहाँ पर A बराबर P, तो P के जगह पर लिखेंगे 10,000 और 1 + 10/100 to the power 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 10,000 × 10 = 11 पर 3 घात 11 × 11 × 11 / 10 × 10 × 10। अब 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 यानी इसका गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1331 यानी 13,310 रुपया। ये हो गया क्या? मिश्र धन। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाए तो A में से P को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो A का मान है 13,310 -10,000 घटा दें तो 3,310 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो लगा लीजिए जरा जल्दी से। हो गया। लग गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। चलिए P बराबर दिया है 20,000, R बराबर 10% वार्षिक है और P बराबर 2 वर्ष। तो हमने बताया कि जब R की वैल्यू रखना हो तो वार्षिक दर, तो वार्षिक दर बटा 2, छमाही है ना तो 2 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा, यानी अब R के स्थान पे 5% छमाही आ गया। अब P बराबर 2 × 2 तो 2 × 2 = 4, इसलिए A बराबर P × 1 + R/100 to the power T से मान रख देते हैं 20,000 1 + 5/100 to the power 4। अभी 20,000 और ये हो जाएगा 20×5 = 100, 20×21 ये तो 4 घात हो गया, नीचे 20×20×20×20 1, 2, 3, 4 जीरो, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे तो नीचे तो 8 हो गया, ऊपर गुणा करेंगे तो 441×441
अब 441 का वर्ग करना है, ठीक है। 441 का वर्ग करके 8 से भाग दीजिए, यही हो गया मिश्रधन। जल्दी से निकाल लीजिए। हो गया, कर ली। चलिए अगला नंबर लिखिए। यदि रमेश ने 50,000 रुपया दस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेकर 50,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेकर दूसरे को उसी दर से उधार दे देता है, परंतु स्वयं वर्ष के अंत में ब्याज देता है, जबकि दूसरे से ब्याज छमाही समायोजित करता है तो वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए का बचत होगा। तो चलिए, हमें पता है कि जैसे किया क्या है कि एक जगह से उसने उधार लिया है, तो जहां से उधार लिया है वहां पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में, यानी वार्षिक समायोजित ब्याज की दर से वो देता है, यानी हर वर्ष के अंत में ब्याज देगा। परंतु एक जगह से 50,000 रुपया लिया और दूसरे को दे दिया, 50,000 रुपया पूरा का पूरा दे दिया, और वहां छमाही समायोजित किया उसी दर से, 10% वार्षिक दर से ही छमाही समायोजित करता है, तो वर्ष के अंत में उसके पास कई रुपए का बचत हो जाएगा। तो जरा देखिए, ये भी लोग धंधा शुरू कर दिए थे, एक जगह से उधार लेकर और एक जगह देते थे और कुछ नहीं करना पड़ता था, केवल पैसे का आदान प्रदान करना है। हम ये करते हैं 10 रुपया 20 रुपया 100 50 जो भी बचता है, तो वो तो केवल दिमाग लगाने से बचता है, बाकी कुछ तो किया नहीं उसने। चलिए अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर पी बराबर कितना है, 50,000 है, पी बराबर है 50,000, ठीक है, और आर बराबर है 10% वार्षिक दर, और समय तो एक वर्ष है ही। चलिए, तो जहां से रमेश ने लिया है वहां पर वो देगा कितना, तो रमेश के लिए मिश्रधन जो हो जाएगा, या जो भी नाम आपने लिखा है वो नाम लिखिएगा, रमेश के लिए मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन ए बराबर
पचास हजार और ये 1 + 10/100^1 तो ये हो जाएगा 50,000, ये 11/10, 0 0 कट जाएगा, 11 × 5 = 55, यानी 55,000 हो गया मिश्रधन। चलिए यानी इतना उसको वापस करना है साल भर के अंत में, वर्ष के अंत में इतना उसे वापस करना है। अब रमेश को मिला कितना, तो रमेश को मिला राशि जितना उसके पास मिला था, तो मिला राशि जो होगा वो ए डैस है, तो ये हो जाएगा 50,000 1 + अब देखिए 10% ये वार्षिक है, तो यहाँ पर इसके लिए आर के जगह पे 10/2 यानी 5 रखेंगे ना, और टी के जगह पे 2 × 1 यानी 2 रखेंगे, यहाँ पे 5/100 और इस पर पावर 2 हो जाएगा क्योंकि छमाही दे है। अब यहाँ पे हो गया 50,000 और ये 5 × 10 = 20, 20 × 21 = 21/20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हम ऐसे ही रख लेते कोई दिक्कत नहीं होता, 1 2 1 2 2 0 कट गया, 2 × 2 = 4, 4 से अगर हम भाग दें या 4 को इसी तरह रखे रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 × 441 इसका गुणा करेंगे और बटे 4, 500 का गुणा कर दे तो 0 0 5 5 × 20 5 × 20 = 22/4। अब भाग देते हैं तो 4 × 5 = 20, क्यों 2, फिर 4 × 5 = 20, फिर 4 × 1 = 4, फिर 4 × 2 = 8, 20, फिर 4 × 5 = 20। अब देखिए 55,125 रुपया ये ए डैस यानी उस रमेश को मिला, और रमेश को देना है जहाँ से लिया था उसको कितना, 55,000, तो रमेश के पास जो बचत राशि हुआ बचत, तो बचत जो हो जाएगा वो जाएगा 55,125 - 55,000 यानी ये हो जाएगा 125। क्या कुछ रमेश को करना पड़ा, क्या कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक जगह से पैसा लिया और दूसरे जगह उसने दे दिया, और ये करने में ही उसके पास कितना रुपए का बचत हो गया, 125 रुपए का बचत हो गया। क्लियर है, तो जल्दी से लगा लीजिए। हो गया, चलिए अब तो समझ में आ गया। इसी तरह तिमाही होता है, चतुर्मासिक होता है, तो आप लगा लेंगे ना, क्यों? अच्छा, जैसे ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपने जो है पैसा लिया और उस पैसे को जो है आपको आपने जमा कर दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा जमा कर दिया और वहाँ पे वर्ष के अंत में ही ब्याज समायोजित होता है, और आपको अगर 1 वर्ष 8 महीने पर निकालना पड़ जाए, 1 वर्ष 8 महीने पर निकालना पड़ जाए, तब आपको क्या एक ही वर्ष का ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा वर्ष के अंत में मिला गया जो भी मिश्रधन होता है उसी मिश्रधन पर अगले वर्ष ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ष के अंत में मिला मिश्रधन अगले वर्ष उस पर जो है मिश्रधन पर ब्याज मिलता है, फिर अगले वर्ष जो अब मिश्रधन मिला होगा उस पर ब्याज मिलेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि आपने जमा किया 100 रुपया और 10% से ब्याज मिलता है, तो एक वर्ष में 10 रुपया मिलेगा 100 रुपया पर, तो अब तो 110 रुपया हो गया,
तो एक वर्ष के अंत में 110 रुपया। अब अगली बार 110 रुपये का 10% से ब्याज मिलेगा, तो 10% से मिलेगा तो अगली बार तो 11 रुपया ब्याज मिलेगा ना। 11 रुपया ये और 110 रुपया पहले से था, यानी अब हो गया 121 रुपया। बात समझ में आ रहा है। और फिर अब जो मिलेगा तो अब 121 रुपये का 10/100, यानी हर वर्ष के अंत में जो मिला है तो अब 12.1 रुपया। इस तरह ब्याज जो है हर वर्ष के अंत में मिला मिश्रधन पर ब्याज मिलता है, तभी हम कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तभी हमने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर ऐसा होता कि यहाँ पर आप एक वर्ष 6 महीना, एक वर्ष 7 महीना, एक वर्ष 8 महीना में आपको निकालना पड़ जाए, तो क्या आपको जो 7 महीना या 8 महीना है उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्याज मिलेगा, ब्याज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा, परंतु केवल उतने महीने के लिए निकालना है। जरा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर सपोज दैट मान लिया जाए कि टी सही एक्स अपान वाई वर्ष बाद आपको निकालना है, और आर प्रतिशत वार्षिक दर है, आर प्रतिशत वार्षिक दर से आपको निकालना है। तो पहले ये टी वर्ष तो कंप्लीट वर्ष है ना, यानी आप इसको लिखेंगे टी प्लस एक्स अपान वाई वर्ष। तो टी वर्ष के बाद जो मिश्रधन मिलेगा वो अब इतने वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। टी वर्ष के बाद जैसे मान लेते हैं कि 2 × 3/4 वर्ष, तो ये 2 वर्ष में जितना मिश्रधन मिला होगा वो मिश्रधन अब इतने वर्ष के लिए, इसको ऐसे लिखेंगे ना 2 + 3/4, इसमें जो मिश्रधन मिला इसका मिश्रधन अब इतने वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? मूलधन का। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम ए डैश निकालते हैं तो ए डैश बराबर टी वर्ष के बाद मिश्रधन, तो पी 1 + R/100 to the power t। तो ये तो ए डैश है। अब यह ए डैश जो है एक्स अपान वाई वर्ष, यानी यह ए डैश एक्स अपान वाई वर्ष, ठीक है, यह जो है एक्स अपान वाई वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो टोटल मिश्रधन हो जाएगा ए, तो यह ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे ए डैश मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज के लिए लिखेंगे ए डैश इंटू आर, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ब्याज बराबर क्या दर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो ये चीज जब आप रखेंगे ए डैश इंटू आर इंटू समय कितना है एक्स अपन वाई पूरे का बटा कितना 100। अब देखिए ना आप ए डैश यहाँ भी ए डैश यहाँ भी ए डैश कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 + R/100 इंटू एक्स अपन वाई, और ये ए डैश का मान आप निकाल चुके हैं, ये रख देते हैं, तो पी 1 + R/100 और टू दी पावर टी, और यहाँ पर जाएगा 1 × 1 + R/100 और इंटू एक्स अपान वाई। तो ये होता है फार्मूला, तो जरा लिख लीजिए इसे। लिखिए यदि पी रुपया पर आर प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति वर्ष ब्याज समायोजित होता हो, आर प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति वर्ष ब्याज समायोजित होता हो, तो टी सही एक्स वर्ष बाद, ऐसे लिखिएगा टी सही एक्स अपान वाई वर्ष बाद मिला मिश्रधन कैपिटल ए हो तो ये देखिए ए बराबर टी इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 to the power t टाइम टी और इंटू 1 + R/100 इंटू एक्स अपान वाई जैसे लिखा गया है होता है
जैसे 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 लिखिए 20,000 रुपया 20,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 3/4 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर मिश्रधन ए निकालेंगे तो इसी फार्मूले में रख दिया जाए तो P1+R/100^T(1+R/100)(X/Y) सी। अब देखिए X/Y यानी यहाँ पर देखेंगे T=2 और X/Y=3/4 और P=20,000 और R=10। तो अब सभी रख देते हैं यहाँ तो ये हो जाएगा 20,000 और 1+10/100^2 और यहाँ पर 1+10/100 और × 3/4। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये 20,000 और गुड़े ये हो जाएगा कितना 11/10 तो 11 × 11/10 × 10 और गुड़े ये 10 तो ये हो जाएगा कितना 10 × 4 = 40 और 3 = 43/40। अब सॉल्व करें 1, 2, 3, 0 कट गया 4, 5, 20 यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 5 × 121 × 43। अब गुणा करके निकाल लीजिए मिश्रधन आ गया ठीक है सॉल्व कर लीजिए। याद रखिएगा वर्ष के अंत में ब्याज समायोजित होता है परंतु ये 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष में नहीं निकाला जा रहा है बल्कि 2 वर्ष कुछ महीना यानी पूर्णांक वर्ष में न होकर बल्कि कुछ महीने पर निकाले जा रहे हैं। अगला एक और प्रश्न लिखिए 12,000 रुपये का 12,000 नहीं 60,000 लिखिए 60,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह बाद मिश्रधन क्या होगा 1 वर्ष 4 माह बाद मिश्रधन क्या होगा जबकि ब्याज प्रति वर्ष समायोजित होता है यानी वर्ष के अंत में समायोजित होता है और हमें निकालना है 1 वर्ष 4 महीने बाद ही निकालना है तो कितना ब्याज मिलेगा। तो चलिए देखा जाए ब्याज कितना मिलेगा तो हमें 1 वर्ष देखिए समय टी के जगह पर लिखा गया है 1 वर्ष 4 माह और 4 माह तो ये तो पूर्णांक है तो टी के स्थान पर तो 1 लेकिन X/Y ये 4 महीना है ना तो 4/12 कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने 12 महीने तो 12 महीना होगा तो 1 वर्ष तो 4 महीना होगा तो कितना वर्ष तो 4/12 1/3। अब आपको पता चल गया X/Y 1/3 है T=1 है इसलिए पी तो पता ही है कि P=है कितना 60,000 और दर R=20 तो A=P और फार्मूला लिख रहे हैं पहले 1/R/100^T (1+R/100) और × X/Y। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कितना है 60,000 है तो 60,000 लिखेंगे 60,000 और 1+R की जगह पर 20 लिखेंगे तो 20/100^T (T की जगह पर 1 1+20/100
और x इंटू एक्स एक्स अपान वाई, x के जगह पर एक बटा तीन है बटा वाई की जगह पर। अब चलिए तो ये हो जाएगा 60,000 और गुणे ये 0,0 कट गया, 2 5 10 पाँच एक छ, तो 6/5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 0 2 5 10 पाँच यही 15 15 1 16/15। अब इसको साल करें तो 15 4 60 फिर 5 8 40 यानी ये हो गया 800 गुणे 6 गुणे 16 गुणा कर लीजिए निकल जाएगा। निकाल लीजिए जल्दी से। अब तो समझ में आ गया। क्यों? अब तो अगर ऐसे प्रश्न दे दिए जाए तो साल हो जाएंगे ना, कर लेंगे सभी लोग ना साल, आगे निकला जाए। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से समझ लीजिए कि आराम आराम से लिख कर आप लोग चलिए, ठीक है? क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ाना है इसलिए थोड़ा हम तेज चल रहे हैं, परंतु आप ऐसा तो है नहीं कि हम निकल जा रहे हैं, आपके हाथ में है, आप क्लास को रोक रोक कर आराम से लिख कर तब आगे बढ़ा करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन तभी देखा करिए, और हम तो यहाँ लगातार चलेंगे इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, ठीक है? और कई बार देखिए, एक बार नहीं कई बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, पूरे 1 महीने तक आपके साथ रहेगा क्लास, और 1 महीने के बाद ही हम क्लास हटाएंगे। पूरे 1 महीने के लिए आप पूरा 300 दिन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए, यदि यदि P रुपए को R1 R2 R3 ...... ...Rn प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः T1 T2 T3 ...... ...Tn वर्षों के लिए दिया जाता हो तो कुल T1 T2 T3 ...... ...Tn वर्ष बाद मिला मिश्रधन A के लिए। तो चलिए क्या करेंगे, तो पहले हम R1 प्रतिशत पर T1 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो पहला मिश्रधन ध्यान समझिएगा, A1 बराबर हो जाएगा P1 + R/100, तो R1/100 टू द पावर T1। अब यह मिश्रधन अगले के लिए मूलधन का कार्य करेगा, तो अगर हमें A2 ज्ञात करना हो तो अब ये इतने वर्ष के बाद है R2 वर्ष के लिए, तो हम लिखेंगे A1 और 1 + R2/100 टू द पावर T2। अब A1 के स्थान पर ये रख देंगे तो P1 + R1/100 टू द पावर T1 और 1, ये तो है 1 + R2/100 और टू द पावर T2, ये हो गया क्या A2। अब अगर A3 निकालें अगले T3 वर्ष के बाद, तो यानी जो T2 वर्ष के बाद मिश्रधन मिला है वो अब अगले T2 वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा, तो यानी अब हो जाएगा A2 1 + R3/100 टू द पावर T3 करेंगे, यहाँ A2 के स्थान पर अब ये पूरा लिखेंगे,
तो P1 plus R1 upon 100 to the power T1 into 1 plus R2 by 100 to the power T2 और ये है ही 1 plus R3 by 100 to the power T3। उम्मीद है कि अब तो समझ में आ गया। इसी तरह अगर N वर्ष के बाद या Tn T1 वर्ष के बाद तक आ जाए तो यहाँ पर a हो जाएगा, a बराबर हम लिख देते हैं p इंटू वन अपान वन प्लस आर बाई हंड्रेड या आर वन बाई हंड्रेड टू दी पावर t1 वन इंटू वन प्लस आर टू बाई हंड्रेड टू दी पावर t2 और इंटू वन प्लस आर थ्री बाई हंड्रेड टू दी पावर t3 थ्री डाटा टेंस वन वन प्लस आर एन बाई हंड्रेड टू दी पावर n, ठीक है tn। तो अब ये हो गया कुल मिश्रधन, तो लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए इसे। हो गया, चलिए देखिए, जैसे 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 यदि 20,000 रुपया उधार लिया गया हो, 20,000 रुपया उधार लिया गया हो जिस पर पहले वर्ष दस प्रतिशत तथा अगले दो वर्ष 20% व अगले एक वर्ष 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज देना हो तो कुल 4 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। कुल 4 वर्ष, पहला वर्ष तो 1 वर्ष, अगले 2 वर्ष 2 वर्ष और 1 वर्ष 3 वर्ष और फिर अगले 1 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष हो गया। तो 4 वर्ष के बाद मिश्रधन पूछा गया है। तो चलिए ए बराबर सीधे पी की जगह पर 20,000 है तो यहाँ 20,000 लिख देते हैं और 1 प्लस ये पहले वर्ष के लिए तो टी वन के जगह पर 1 वर्ष लिखेंगे, T1 1 वर्ष, T2 2 वर्ष और T3 भी 1 वर्ष, 1 प्लस 10/100^1 फिर इंटू 1 प्लस 20/100^2 और इंटू 1 प्लस और ये 25 है, दर यहाँ R3 25 है तो 25/100। देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, T1 1 वर्ष, T2 2 वर्ष, T3 1 वर्ष, तो यहाँ 1 वर्ष। अब इसको साल कर ले तो 20,000 गुणे ये हो जाएगा 11/10 गुणे
यहाँ पर जाएगा दो पाँच एक दस, पाँच एक छः, तो छः बूढ़े छः बटा पाँच बूढ़े पाँच और बूढ़े पच्चीस चौके सौ चार एक पाँच, पाँच बटा चार। तो देखिए पाँच से पाँच ही कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर ये चार पाँच बीस, बीस से ये बीस कटेगा तो यहाँ हो जाएगा सौ, यानी सौ गुणे ग्यारह गुणे छत्तीस। ठीक है, तो अब ग्यारह सौ गुणा करते हैं जीरो जीरो ग्यारह छके छाछठ और ग्यारह तिया तैतीस और छः उनतालीस, तो ये हो गया उनतालीस हजार छः सौ। तो ये मिश्रधन हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया तो आप बताएंगे कि उनतालीस हजार छः सौ में से बीस हजार घटा देते हैं तो ये हो जाएगा उन्नीस हजार छः सौ रुपया ब्याज दिया गया। तो निकाल लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया। अब जरा देखिए, जैसे कहा जाए कि दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज से मिल रहा है ब्याज और दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे अगर आपने देखा, ध्यान से सुनिए, पहले बात को समझ लीजिए, जैसे सौ रुपया है और 10% वार्षिक ब्याज मिलता है तो एक वर्ष के अंत में इस पर जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपया मिलेगा ना, कितना मिलेगा 10। तो ये 10 रुपया मिला तो अब हो गया 110 रुपया। अब 110 का 10% से ही अगर ब्याज मिलेगा तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। क्यों? तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला, 11 रुपया मिला। अब 11 ये हो गया और 110 रुपया है ही, तो अब 121 रुपया हो गया ना। अब 121 का 10% से ब्याज अगर निकालेंगे तो 12.1 रुपया होगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि देखिए ये तीसरे वर्ष का ब्याज है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज है और ये पहले वर्ष का ब्याज है, कुल ब्याज नहीं कहता है। अगर आप तीन वर्ष के बाद टोटल आप मिश्रधन देखेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 121 ये है, ठीक है, और 12.1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 121 और प्लस 12.1 अगर जोड़ देंगे तब ना मिश्रधन मिलेगा। अगर हम देखें तो एक दो एक तीन दो एक तीन 133.1 इतना, तो इसमें ब्याज जो मिला टोटल वो तो 33.1 रुपया मिला। जो 33.1 रुपया ब्याज मिला है तो जोड़ लीजिए 10 ये 11 ये 21 21 और 12 33.1। तो टोटल ब्याज तीन वर्ष के बाद कुल मिला मिश्रधन जो हो गया है 133.1 और कुल ब्याज है 33.1। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए तो तीसरे वर्ष का ब्याज बताएंगे कि 12.1 रुपया मिला। अब ये ना बताइएगा कि 33.1 रुपया मिला है, अगर ऐसा आप बताएं तो गलत कर जाएंगे। तो आखिर कैसे निकालेंगे, सवाल है कि कैसे आप निकालेंगे। तो निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि आप सीधे क्या करिएगा कि दूसरे वर्ष का, जैसे मान लीजिए कि तीसरे वर्ष का ब्याज आपसे पूछता है तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन में से दूसरे वर्ष का मिश्रधन घटा दीजिएगा, बस तीसरे वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए जरा, एक विशेष वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए लाइन छोड़ दीजिए और नीचे लिखिए तीवें वर्ष का मिश्रधन एटी लिखिएगा हो तथा P-1 में वर्ष का मिश्रधन एटी माइनस वन हो तो पीवे
टीवी ऐसे लिखेगा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा एटी माइनस वन। लिख लीजिए इसे, जैसे पांचवे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछता है, सपोज दैट कौन से वर्ष का, पांचवे वर्ष का। तो यदि आपसे पांचवे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो आप क्या करेंगे कि पांच वर्ष का मिश्रधन में से चार वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे, तो चार वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे, पांच वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे, घटा देंगे तो पांचवे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो जाएगा। क्लियर है? दसवें वर्ष का पूछेगा तो दस वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, फिर नौ वर्ष का निकालेंगे, दस वर्ष के मिश्रधन में से नौ वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे, बस दसवें वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। चलिए लिख लीजिए जैसे, जैसे आठ हजार रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि तीन वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे और उसी में से मूलधन को घटा के, और जैसे देखेंगे कि वो तो चार ऑप्शन में दिया रहता है ना, वो करके चल देते हैं, हमको लगता है कि वही सही है जबकि गलत है। याद रखिएगा, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 के लिए क्या लिखेंगे, तो ये 8000 और गुणे 1 प्लस 10/100 to the power 3 माइनस 8000 और 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर। देखिए ये इसमें भी है तो निकाल लें। चलिए 8000 का मान ले लें और ये देखिए 10 11/10, तो 11/10 का स्क्वायर कॉमन ले लें। चलिए यहाँ पे क्यू लिख देते हैं और यहाँ पर 8000 और ये 11/10 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाए कि 8000 और 11/10 का स्क्वायर जो है 11/10 गुणे 11/10 कॉमन ले लें, तो यहाँ तो बचेगा क्या 11/10 और यहाँ से पूरा निकल गया तो 1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 8000 गुणे 121 अपान नीचे है 100 और गुणे ये 11 में से 10 जाएगा तो 1/10, 1 2 3 1 2 3 0 कट जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा तो 8 कम 8, 8 × 16, 8 × 8 = 9, तो कितना आ गया 968 रुपया। यानी तीसरे वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 968 रुपया मिलेगा। तीसरे वर्ष का ब्याज 968 रुपया, केवल तीसरे वर्ष का है, पूरा नहीं है, तो लगा लीजिए जल्दी से ना इसे। याद रखिएगा, मिस ना करिएगा, क्योंकि मिस लोग करके चले आते हैं और गलत होता है उनका, और वो कहेंगे जब करके आते हैं तो 100 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटेक्निक में तो क्या बताएंगे कि 90 क्वेश्चन किए हैं, कोई बताएगा 95 क्वेश्चन किए हैं, और जब आता है रिजल्ट तो पता चलता है कि ढूंढते हैं कि 40,000 रैंक है कि 50,000 रैंक है, ऐसे ही करने वाले 40-50,000 के लाखों में पहुंच जाते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से रखेंगे, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा क्या है, ये नहीं कि आधा प्रश्न पढ़े और आधा अपने से सोच लिए कि जो हमने लगाया था उसी स्तर का प्रश्न है आगे, और लगाना शुरू कर दिए, पता चला कि आंसर में दिया हो और प्रश्न कह रहा था कुछ और, तो गलत करके आप चले आएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हमने आप सभी लोगों को बताया चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ चीजें, अब कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा करेंगे, तो हम आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में अभी एन गुना बताना बाकी है, एन गुना, अपने का 2 गुना, अपने का 3 गुना हो जाए, उस बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट,
उसके बाद बताएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर, दो वर्ष का अंतर हो या तीन वर्ष का अंतर हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो दो वर्ष या तीन वर्ष में कोई एक जरूर आता है, तो उस पर चर्चा करेंगे कल। कल बताएंगे, इम्पोर्टेंट चीज है कल, ठीक है, तो कल इसको बता देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका समाप्त तो हो जाएगा, ठीक है। जो भी दोस्त यार हैं आपके, अभी तक उनको सूचना नहीं मिल पाया है, हालांकि हमारे पास जितने लोग ग्रुप में हैं सबको सूचना हम दे दिए हैं, परंतु जब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है तो उसको लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है। वो ज्यादा पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही बार टाप करेंगे परीक्षा में, टेस्ट में बैठेंगे तो एक ही बार टाप करेंगे, तो उनके धारणा वही है, हो सकता है तैयार ही हो उनका, इसलिए ज्वाइनिंग न कर रहे हो। परंतु आप ध्यान रखें कि अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं तो आप उनसे कहीं पीछे न रह जाएं, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको सबसे आगे निकल कर दिखाना है कि नहीं हमने मेहनत किया है। अब ये नहीं कि आप पीछे ही रह जाओ, तो आपके ज्वाइन होने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आपने 200 रुपया जमा किया है, जो भी आपने जमा किया है, जितने लोग हैं अलग अलग, तो वो जो ग्रुप में है, जो हमसे पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़े हैं, फीस पहले जमा भी किए थे, तो वो केवल 200 ही जमा किए हैं। तो अब ये ना होगी कि ये पैसा आपका बर्बाद जाए, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग नए हैं उनका फीस तो अलग है, तो वो लोग मेहनत करें ताकि जो है रिजल्ट अच्छा बने। हाँ, जो बताया जा रहा है इसी स्तर का प्रश्न आएगा, इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।